सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंपीरियल कॉलेज लंदन के बारे में। तो इंपीरियल कॉलेज लंदन 1907 में एस्टैब्लिश हुआ था और बिजनेस, इंजीनियरिंग और मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट्स में इसकी स्पेशलिटी है। इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग रिसर्च यूनिवर्सिटीज इन द एंटायर वर्ल्ड। तो इंपीरियल कॉलेज लंदन के जो स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स हैं वो 140 से भी ज़्यादा कंट्रीज से आते हैं। इंपीरियल कॉलेज के स्टूडेंट्स 50% से ज़्यादा बाहर के देशों से है, जिसमें से 32% नॉन EU कैंडिडेट्स भी हैं। इसके साथ साथ इंपीरियल कॉलेज लंदन के जो बैचलर्स प्रोग्राम है इसमें 100 से भी ज़्यादा प्रोग्राम ऑफर किए गए हैं, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट्स में 140 से भी ज़्यादा प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इंपीरियल कॉलेज लंदन, जैसे नाम सजेस्ट करता है, लंदन में लोकेटेड है, जिसके वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंटर्नशिप्स भी आपको मिलते हैं। ये सारे हैं इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स। अब बात करते हैं ICL के रैंकिंग्स के बारे में। सो QS वर्ल्ड रैंकिंग्स 2022 के अकॉर्डिंग ICL का रैंक 7th आया है, बल्कि टाइम्स हायर एजुकेशन ने उसको रैंक 12th दिया है। तो अब बढ़ते हैं इंपीरियल कॉलेज लंदन के टॉप बैचलर्स एंड मास्टर्स प्रोग्राम्स की तरफ। तो यहाँ पे एडवांस कंप्यूटिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, मार्केटिंग और मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स काफ़ी फेमस हैं। इन सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको कुछ एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ेंगे, जैसे कि IELTS, जिसमें आपको अराउंड 6.5 स्कोर करना पड़ेगा, PTE, जिसमें एक 70 का स्कोर एक अच्छा स्कोर माना गया है, और TOEFL, जिसमें अराउंड 92 आप स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको बैचलर्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होना है तो आपको एक ऐसा स्कोर लगेगा आपके 12th स्टैंडर्ड में, विच इज़ इक्विवेलेंट टू UK's अपर सेकेंड क्लास। फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रोग्राम्स के लिए इसकी आवश्यकता पड़ भी जाती है, लेकिन एक जनरल एलिजिबिलिटी के लिए आपको अराउंड 75% से ज़्यादा स्कोर करना है अपने बैचलर्स में। और अगर आप MBA जैसे टॉप प्रोग्राम्स में एनरोल कर रहे हो तो यू हैव टू बी फ्रॉम अ वेरी एलीट इंस्टीट्यूशंस लाइक IITs और समथिंग लाइक दैट इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम्स योर। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन और ट्यूशन फीस की। तो यहाँ पे बैचलर्स प्रोग्राम की एप्लीकेशन फीस अराउंड £20 तक पड़ती है, बल्कि मास्टर्स प्रोग्राम की जो है वो £80 तक पड़ती है। ट्यूशन फीस की जब बात की जाए तो मास्टर्स, बैचलर्स और MBA प्रोग्राम्स की क्यूमुलेटिव फीस अराउंड £30,000 से लेके £55,000 के बीच में वेरी करती है। तो ICL की इतनी हाई फीस स्पॉन्सर करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे स्कॉलरशिप ऑप्शंस हैं, जिनमें से कुछ हैं प्रेसिडेंस अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप और शेवनिंग स्कॉलरशिप। अब बात करते हैं जॉब्स और सैलरीज की। बिकॉज ICL का रैंक और रेपुटेशन इतना ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे जो भी जॉब्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को वो आइदर एक हाई प्रोफाइल या फिर एक हाई क्वालिटी जॉब्स ही मिलते हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पे लिस्टेड हैं। जब बात आती है रिक्रूटर्स की तो गूगल, ओकाडो, माइक्रोसॉफ्ट, IBM और Amazon जैसे कंपनीज ICL के कैंडिडेट्स को ईजिली हायर कर लेती हैं। ICL के पास अपने खुद के 8 सेल्फ केटर्ड हॉल्स हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन मिलती है। 2,500 स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं और यहाँ का रेंट अराउंड 150 से लेके $300 के बीच में वेरी करता है पर वीक। जब ICL की एलुमनाइज की बात होती है तो राल्फ रॉबिन्स, इयान रीड और राजीव गांधी जैसे कुछ फेमस लोग यहाँ से पास आउट हुए हैं। तो ICL के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई और डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछिए। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी ऐसे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो ICL जाने की चाह रखता हो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।